सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है चैप्टर चैप्टर नंबर 4 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में अगर हम बात करें लाइट के रिफ्लेक्शन में कि लाइट के रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें ये बहुत जरूरी है जानना कि लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट। ठीक है ना, तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट क्या है तो मैं ये कहता हूं कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है ना, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लाइट तो आप क्या कहोगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, जो हमें अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में मदद करती है। ठीक है ना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, विच इनेबल्स अस सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ओके, लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, या दूसरी भाषा में मैं ये कहूँ कि लाइट जो है प्रकाश की जरूरत हमने आसपास की वस्तुओं को देखने में मदद करती है। ठीक है, सवाल ये है कि लाइट जो है, लाइट वो डिटेक्ट कौन करता है, हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो लाइट को डिटेक्ट करेगा? तो हमारी आंखें, आईज। ठीक है ना, हमारी आंखें जो है वो क्या करती हैं, लाइट को डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, जब भी हम बुक पढ़ते हैं या किसी मैगजीन को पढ़ते हैं, ठीक है, या मिरर में खुद को देखते हैं, तो जब भी हम ये सब कोई भी काम, इनसे रिलेटेड अगर कोई काम करेंगे जिसमें हम किसी वस्तु को देख रहे होते हैं, तो उस वस्तु को देखने के लिए यहाँ पर लाइट हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और उस लाइट को डिटेक्ट करने का काम जो है हमारी आंखें करती हैं, क्योंकि हमारी आंखें क्या होती हैं, वो सेंसिटिव होती हैं। ठीक है ना, वो लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं और वो उस लाइट को अच्छे से रीड कर लेती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप जो है किसी रूम में, किसी अंधेरे रूम में आपको खड़ा कर दिया गया, इन द डार्कनेस ऑफ नाइट। ठीक है, रात को अंधेरे में आपको किसी रूम में खड़ा कर दिया गया, तब क्या होता है कि हम वहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है, बिकॉज देयर इज नो लाइट। और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, ठीक है, तो लाइट जैसे ही ऑन करते हुआ, तो वो लाइट जो है, वो प्रकाश जो है, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद है रूम में, उन सब पे पड़ता है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट्स पे ये लाइट पड़ता है ना, हम उसे देख लेते हैं। क्या लाइट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ेगी तब हम उसे देख पाएंगे, ये वो लाइट जो है हमारी आंखों पर पड़ेगी तब हम उसे देख पाएंगे? तो देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कुछ टेक्निकल बातें हैं, अब थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। मैंने कहा कि लाइट क्या है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप है, जो हमें, लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास की वस्तुओं को देखने में लाइट प्रकाश मदद करता है। इसके साथ ही एक बात और यहाँ पर ऐड कर लीजिए कि लाइट हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं, या लाइट हमें उस ऑब्जेक्ट को देखने में मदद तभी करता है जब यह किसी ऑब्जेक्ट से आता है। ठीक है ना, टकरा के आता है, या उसका अपना लाइट हो, या वो किसी दूसरे का लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। ठीक है ना, जब कोई बॉडी लाइट देगी, ठीक है ना, इमिट करेगी, लाइट अगर देगी, प्रकाश देगी, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अब हर वस्तु का अपना लाइट तो होता नहीं है। अब जैसे मान लो बल्ब है, तो बल्ब का तो अपना लाइट है, लेकिन अब चेयर की बात कर लो, ठीक है, टेबल की बात कर लो, पेन की बात कर लो, इनका अपना लाइट तो है नहीं, क्योंकि लाइट सोर्स नहीं है। तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाएंगे? तो उस कंडीशन में जब किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना लाइट नहीं होता है, तो वो किसी और का लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, कहीं और से लाइट आता है, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, फिर टकरा के वापस हमारी आंखों पर पड़ता है, तब हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, अब जैसे सूरज की बात करते हैं कि सन जो है वो लाइट देता है, तो हम सन को तब देख पाते हैं जब सन से आती हुई लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, हमारी आंखों में एंटर करती है, तब हम सन को देख पाते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं किसी दूसरे स्टार्स की, हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं, ट्यूब लाइट, टॉर्च, कैंडल, फायर, इन सब की अगर हम बात करते हैं, तो इनका अपना लाइट होता है, इन सब का अपना लाइट होता है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें जिसका अपना लाइट हो, इमिट देयर ओन लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हम इन्हें कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, आप क्या कहोगे? एनीथिंग व्हिच इमिट्स लाइट। अगर बात करते हैं आप ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मैं यह कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट एक ऐसा वस्तु, अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो अगर कोई भी बॉडी लाइट इमिट करती है, लाइट देती है, चाहे वो लाइट उसकी अपनी लाइट हो या वो किसी दूसरे बॉडी की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक
ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है तो लाइट इमिट करेगा ही करेगा, लाइट देगा ही देगा, ठीक है ना। अब उसकी अपनी लाइट भी हो सकती है, हो सकता है कि उसका अपना लाइट हो, या हो सकता है कि उसका अपना लाइट नहीं हो, किसी और की लाइट को क्या कर रहा हो, इमिट कर रहा हो। तो अगर कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट तभी कही जाएगी जब लाइट इमिट कर रहा है, तो इस आधार पर हमने ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है ना। पहली बात जो है उसे हमने कहा ल्यूमिनियस, और दूसरा हमने ऑब्जेक्ट कहा नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो हमने आपको ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में क्या बताया, जिसका अपना लाइट होता है, खुद का लाइट, ठीक है ना। एनी ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट व्हेन इट इमिट्स देयर ओन लाइट, ठीक है ना, इमिट करे, प्रकाश दे, और वो इसका प्रकाश जो है खुद का हो, किसी और का नहीं हो, ठीक है ना। अब जैसे खुद का लाइट किसका होता है, तो खुद का लाइट जो हो जाएगा बाइक का, नहीं, बाइक का खुद का लाइट नहीं होगा, बल्ब का, बिल्कुल बल्ब का खुद का लाइट होगा, बल्ब का, ट्यूबलाइट का, टॉर्च का, कैंडल का, आग, फायर जो है उसका, स्टार्स की बात करें, सन की बात करें, इन सबका क्या है, खुद का लाइट है। तो अगर किसी भी बॉडी का अपना खुद का लाइट है, और उस खुद के लाइट को वो क्या कर रहे हैं, लगातार इमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट्स को हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका लाइट खुद का नहीं होता है, और ये किसी दूसरी वस्तु की लाइट को इमिट करते हैं, किसी दूसरी वस्तु की। अब जैसे मान लो कि सन, सन से लाइट आ रही है, ठीक है, और उस लाइट को क्या कर रहा है, अर्थ जो है इमिट कर रहा है, रिफ्लेक्ट करता है, कि सूरज से रोशनी आती है पृथ्वी पर पड़ती है, और पृथ्वी से फिर रिफ्लेक्ट करके कहीं और जा रही है। तो इस कंडीशन में अर्थ की अपनी लाइट नहीं है, ये अर्थ की जो लाइट है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो कि सूरज की देन है। तो अगर ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी लाइट नहीं है, किसी और की लाइट है, अब जैसे मान लो कि मेरे पास है एक पेन, पेन का अपना कोई लाइट नहीं है, टेबल, टेबल का अपना कोई लाइट है, लाइट नहीं है। अब जैसे हमने कहा बाइक, स्कूटर, इन सबका अपना लाइट नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना लाइट नहीं है इमिट करने के लिए, वो किसी दूसरे से लेके उस लाइट को इमिट करता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस। उसे हम क्या कहेंगे, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हम बिल्कुल कहेंगे। जैसे फ्लावर, फ्लावर क्या है, नॉन ल्यूमिनियस है, ठीक है। चेयर, टेबल, ठीक है, ये डू नॉट इमिट लाइट देमसेल्फ, इनका अपना लाइट नहीं होता है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ये किसी दूसरे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, तो आप क्या कहोगे, नॉन ल्यूमिनियस का डेफिनेशन क्या होगा, तो दोज ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वस्तु विच डू नॉट इमिट लाइट, ऐसे वस्तु जो लाइट इमिट नहीं करते देमसेल्फ, खुद से, बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन देम, ठीक है ना। वो खुद से लाइट इमिट नहीं करते, बल्कि किसी दूसरी वस्तुओं से आती हुई लाइट को क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। और अगर ऐसा होता है, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को हम नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, हम उन्हें क्या कहेंगे, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो अगर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, कि प्रकाश का क्या प्रॉपर्टी है, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में बात करें, तो एक प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखो, पहली बात तो ये कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक ऊर्जा का स्रोत है या ऊर्जा का रूप है, ठीक है, जो हमें क्या करता है, सेंसेशन ऑफ साइट देता है। सेंसेशन ऑफ साइट कहने का मतलब कि आप किसी भी वस्तु को देखने में समर्थ हो जाते हो, आपको एलिजिबल बनाता है कि आप किसी दूसरे वस्तु को देख सको, ठीक है ना, आपको विजन देता है। दूसरी बात आप यहां पर यह याद रखो कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है ना, कभी भी अगर लाइट को ट्रेवल करना होगा ना, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं है कि वो लाइट जो है वो मुड़ के ट्रेवल करेगा, इधर उधर मुड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी भी लाइट ट्रेवल करता है तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो उससे क्या रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको बताया जा सकता है, देखिए अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रेवल कर रहा है, तो उसी का यह रीजन है कि शैडोज बनते हैं। शैडोज मतलब क्या होता है, छाया, ठीक है ना, छाया बनता है रात के टाइम में, बल्ब बल्ब जब जले तो आप चलते हो, तो आपका क्या बन जाता है, छाया बनता है पीछे की तरफ, शैडो बनता है। तो ये जो शैडो क्रिएट होता है, एक शार्प शैडो जो क्रिएट होता है किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट का, ओपेक ऑब्जेक्ट कहने का मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसे आर पार लाइट पास नहीं कर सकती। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आर पार नहीं पास करती, उसे हम क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं, और जिससे पास हो जाए उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, कि अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट आर पार नहीं कर सकती, मतलब वो ओपेक है, और अगर ओपेक है
तो फिर वो उसका शैडो आप देखोगे, ठीक है ना, उसका एक शार्प शैडो आपको देखने को मिलेगा। अब ये शार्प शैडो आपको देखने को क्यों मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइट जो है वो सीधे रास्ते में चलता है, कभी भी मुड़ता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब कि प्रकाश जो है उसकी प्रकृति क्या होती है, देखते हैं नेचर ऑफ लाइट। देखिए लाइट को समझाने के लिए, लाइट का नेचर कैसा होता है यह समझाने के लिए हम दो थ्योरीज को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास दो थ्योरीज हैं जो प्रकाश के प्रकृति के बारे में बात करती हैं, उसके नेचर के बारे में बात करती हैं कि लाइट का नेचर आखिर कैसा है। अब ये जो दो थ्योरीज हैं, इन दो थ्योरीज में से जो पहली थ्योरी है उसे हम कहते हैं वेव थ्योरी, ठीक है ना, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और जो दूसरी थ्योरी है जिसकी मदद से हम लाइट को एक्सप्लेन करते हैं उसे हम कहते हैं पार्टिकल थ्योरी। थ्योरी ठीक है ना, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमने यहां पर बात करी दो थ्योरी की, कि नेचर ऑफ लाइट समझने के लिए दो थ्योरीज को हम फॉलो करते हैं, एक है वेव थ्योरी ऑफ लाइट और दूसरी है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब कभी कभी हम यहां मान के चलते हैं कि लाइट जो है वो वेव है, हम कभी कभी क्या मान के चलते हैं कि लाइट क्या है, वेव है। अब पूछोगे कि वेव क्या है, तो भूल गए हो तो मैं तुमको याद दिला दूं कि वेव जो है एक डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम में, ठीक है ना, क्या है, डिस्टर्बेंस है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट की वेव थ्योरी क्या है, तो हम कभी कभी ये मान के चलते हैं कि लाइट जो है एक वेव है, और कभी कभी हम मान के चलते हैं कि लाइट जो है एक पार्टिकल है, पार्टिकल यानी कण है। तो कुछ ऐसे फेनोमेनाज फिजिक्स में, कुछ ऐसे फेनोमेनाज हमें देखने को मिले हैं जिसको एक्सप्लेन आप किसी फेनोमेना को सिर्फ वेव थ्योरी से कर सकते हो और कुछ को सिर्फ आप पार्टिकल थ्योरी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर हमने ये देखा कि लाइट की वजह से होने वाली जितनी भी फेनोमेनाज हैं, ठीक है ना, प्रकाश की वजह से जितने भी फेनोमेनाज हैपन होते हैं उनमें से कुछ को आप वेव थ्योरी की मदद से ही सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हो और कुछ को पार्टिकल थ्योरी की मदद से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो इस आधार पर हमने यह कहा कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, ठीक है ना, लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, ठीक है ना। पिछले 100 सालों पर हुए जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे और हमने यह कहा कि प्रकाश जो है वो द्वे नेचर का होता है। द्वे नेचर यानी कि उसके दो नेचर होते हैं, दो प्रकृति होती है, पहला होता है पार्टिकल और दूसरा होता है वेव, सिचुएशन के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है। वो कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है और कभी कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अब ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हैं जो हम वेव से एक्सप्लेन करते हैं और कौन से ऐसे सिचुएशन है जिन्हें हम पार्टिकल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहला, वेव थ्योरी क्या होता है, सबसे पहली बात तो वेव थ्योरी क्या होता है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट हमें पढ़ना है कि वेव थ्योरी क्या होता है, ठीक है। तो वेव थ्योरी जो है ये कहता है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है ना। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ईएम वेव्स जिसे हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव हम जिसे हम लोग कहते हैं। तो वेव तो आपने पढ़ा है क्लास 9th में, ठीक है। तो जो वेव आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जो डिस्टरबेंस था किसी भी मीडियम को, उसको हमने वेव का नाम दे दिया था। तो ईएम वेव क्या होता है और ये उस वेव से कितना अलग है, देखिए लास्ट क्लास में जो आपने वेव पढ़ा था ना, वो वेव और ये वेव अलग है। देखिए वेव को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, कभी भी वेव को दो पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला पार्ट जो है उसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल और दूसरा पार्ट जो है उसे हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल, ठीक है ना। मैकेनिकल वेव्स वो होते हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, मैकेनिकल वेव्स वो होते हैं जिन्हें ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जैसे कि अगर साउंड की हम बात कर रहे थे पिछले क्लास में, तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए आपको मीडियम चाहिए था, सॉलिड, लिक्विड या गैस, लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं मीडियम, ठीक है ना। हमने ये बात पिछले क्लास में करी थी, जो वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है तो उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। लेकिन अगर कोई एक ऐसा डिस्टरबेंस है, एक ऐसा वेव है जिसे हम ट्रेवल करने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती किसी मटेरियल मीडियम की, हमें मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम उसे कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स, और उसी में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। उसी के अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है। अब जैसे हम बात करते थे जब हम चांद पर जाते थे, तो चांद पर जाओ तो जब
चांद पर अगर आप आपस में बात करने की कोशिश करोगे तो एक फिगर याद होगा क्लास 9th में, जिसमें लिखा था आई कांट हियर यू करके था, मतलब मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। तो चांद पर अगर आप बात करोगे तो कोई एक दूसरे को सुन नहीं सकता। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारी साउंड वेव जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, जिसे प्रोपागेट करने के लिए यानी चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, और मून पे कोई मीडियम मौजूद नहीं है, एयर नहीं है, तो हम वहां पर सुन नहीं सकते क्योंकि साउंड वेव्स ट्रेवल ही नहीं करती, वो मैकेनिकल वेव्स थी। तो उस कंडीशन में एस्ट्रोनॉट्स क्या करते, हेलमेट लगाते। हेलमेट लगाने के अंदर जो है बात करने के लिए वो रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, रेडियो वेव का यूज करते हैं। हेलमेट के अंदर माइक होता है, बात करते हैं, उनकी आवाज रेडियो वेव्स में कन्वर्ट होती है, देन उसे किसी दूसरे को ट्रांसमिट किया जाता है, फिर वो सुनते हैं। तो बात करने के लिए उन्हें हेलमेट लगाना जरूरी है, तो वहां पर रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। सवाल ये है कि ये रेडियो वेव क्या है? तो रेडियो वेव इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये नॉन मैकेनिकल वेव है, क्योंकि रेडियो वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको चांद पे बात करना है तो आपको ईएम वेव्स चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चाहिए। अब अगर आप पूछोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितने तरह के वेव्स होते हैं, तो 7 तरह के वेव्स होते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, आपके टॉपिक में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? एक नॉन मैकेनिकल वेव है, जिसे ट्रेवल करने के लिए किसी मेटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर 7 तरह के वेव्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपके वेव्स में विजिबल लाइट भी आता है, जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है, बिना मीडियम के ट्रेवल करता है, वैक्यूम में ट्रेवल करता है। ये आपको पता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है यानी बिना मीडियम का लाइट ट्रेवल करता है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसे हम लोग विजिबल लाइट कहते हैं। इसके अलावा इंफ्रारेड, ठीक है, इसके अलावा एक्सरेज, ठीक है, उसके बाद है आपका गामा रेज, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका रेडियो वेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स, ये सारे वेव्स जो मैं नाम ले रहा हूं, ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ज्यादा बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे थे यहां पर वेव थ्योरी क्या कहता है। तो वेव थ्योरी के अनुसार हम यह कहते हैं कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह बिहेव करता है, जिसे ट्रेवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब उसको सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ नहीं चाहिए चलने के लिए, वो चलेगा, बड़े आराम से चलेगा और अच्छे से चलेगा, ठीक है ना। अब जैसे विजिबल लाइट की बात जो मैं कर रहा हूं, वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, और इसे ट्रेवल करने के लिए हमें मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि जो वेव हम बात कर रहे हैं उसकी स्पीड कितनी होती है? तो उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई होती है। कितनी हाई होती है? तो अभी मैंने कहा कि द स्पीड ऑफ लाइट विच इज रिप्रेजेंटेड बाई सी नॉट वी, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी। अब पूछोगे कि सी से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, वी से क्यों नहीं करते हैं? तो देखो, वी से आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप वी से रिप्रेजेंट करके आप स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम सी से सिर्फ इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहां पर जो वेलोसिटी या स्पीड है वो चेंज नहीं होने वाला है। सी फॉर कॉन्स्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी बॉडीज की वेलोसिटी बढ़ सकती है, घट सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, रिटार्डेशन हो सकता है, तो हम उसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम लाइट की बात करते हैं तो एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें लाइट की स्पीड को ना आप इंक्रीज करते हो ना आप डिक्रीज करते हो, तो वैल्यू ऑफ लाइट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक स्पेशल केस यहां जनरेट हो रहा है जहां पर स्पीड चेंज नहीं हो रही है लाइट की, तो इसीलिए हमने इसे सी से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया कि सी हमें बताएगा कि एक ऐसी वैल्यू है जो बदलती नहीं है। वैक्यूम में हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसीलिए हम इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हमने क्या कहा कि द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स इज वेरी हाई, कितना हाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, निर्वात में, वैक्यूम में, एक ऐसी जगह जहां मीडियम नहीं है, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप मुझसे पूछोगे कि 3 × 10⁸ कितना होता है, जरा जीरो रख के देख लो, इस पे रखना है आपको कितने, 8 जीरो, ठीक है, ये हमने रख दिया 8 जीरो। अब वास्तव में कितना है? ये 1 सेकेंड में ट्रेवल की गई स्पीड है जो कि मीटर में है, मीटर में है, आप इसे किलोमीटर में चेंज कर दो। किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे? आप 1000 से डिवाइड कर दोगे, ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा,
तीन जीरो से तीन जीरो हम यहां पर खत्म कर देते हैं। आप यहां पर देखोगे कि कितना बच गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, यानी कि ये हो गया आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है, विच इज वेरी वेरी हाई, ठीक है, नहीं बहुत ज्यादा है। तो अभी हमने आपको वेव थ्योरी बताया, वेव थ्योरी में क्या कहा गया कि वेव जो है वो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसे ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि वेव थ्योरी की मदद से कौन कौन से पॉइंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है ना, वेव थ्योरी की मदद से हम कौन कौन सी फेनोमेना, फिजिक्स में होने वाली कौन कौन सी ऐसी घटनाओं को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम कॉन्सिडर करें कि लाइट जो है वो वेव है, पार्टिकल नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका डिफ्रैक्शन। ठीक है ना, डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डिफ्रैक्शन जो है आप सिर्फ वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हो। डिफ्रैक्शन के अलावा और क्या, तो इंटरफेरेंस, उसके बाद जो है आपका पोलराइजेशन। कि लाइट को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो वेव थ्योरी की मदद से तो ये तीन फेनोमेना ऐसे हैं, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, इसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको वेव थ्योरी की मदद लेनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, वेव थ्योरी की मदद से ही आप इसे एक्सप्लेन कर पाओगे। सवाल ये है कि ये तीनों है क्या, ये कौन सी बला है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। नाम इंट्रोड्यूस किया है आपके चैप्टर में, पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस का नहीं है, थोड़ा सा हिंट देंगे इसके बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत बताएंगे। तो चलिए, डिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक दीवाल है, ठीक है, और इस दीवाल में कहीं पर एक टाइनी होल है, एक छोटा सा छेद है, ठीक है ना, टाइनी होल है। तो अगर कोई लाइट अगर यहां आता है, मान करो कि यहां पर लाइट जो है आ रहा है, ठीक है, अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि लाइट तो भाई सीधे ऐसे आता है, ये सर ऐसे क्यों बना रहे हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। जब वेव की हम बात करते हैं तो लाइट ऐसे ही ट्रेवल करती है, तो जैसे ही इस टाइनी होल से लाइट पास करेगा ना, तो पास करने के बाद जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो वेव फ्रंट है, ये निकलने के बाद जो है ये कुछ इस तरह से हो जाता है, बेंड कर जाता है, ठीक है ना, बेंड कर जाता है। यानी कि मैं डिफ्रैक्शन को अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है, अगर वो बेंडिंग ऑफ लाइट जो है किसी टाइनी ऑब्जेक्ट की वजह से हो रहा हो, ठीक है ना, टाइनी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से अगर बेंड कर रहा हो। सवाल ये है, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है। तो यहां पर देखो, इंटरफेरेंस में आप कुछ ऐसे समझो कि अगर दो लाइट सोर्स से अगर कोई लाइट जो है, ठीक है, गुजर रहा है, ठीक है ना, दो लाइट सोर्स है हमारे पास, दो कोहरेंट सोर्स है, और पहले वाले सोर्स से जैसे लाइट जो है यहां ऐसे निकला, और जो दूसरा वाला सोर्स है, ठीक है, दो होल्स हमने बनाए हैं, दो, इसे हम दो स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं, वो आपको नहीं जानना है। तो यहां पर क्या होता है कि कॉर्नर से बेंड होने के बाद लाइट बाहर की तरफ निकलती है, और जब लाइट बाहर की तरफ निकलती है तो दोनों सोर्स से निकलने वाली, दोनों स्लिट से निकलने वाली वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं। सुपर इम्पोज करने का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर दूसरे का चढ़ जाना, ठीक है ना। तो जब ये सुपर इम्पोज होती है ना, जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं, तो सुपर इम्पोज होने के बाद ये लाइट जो है अगर आप किसी स्क्रीन के ऊपर उतारते हो तो आप यह देखते हो कि यहां पर अलग अलग बैंड्स बन जाते हैं, अलग अलग बैंड्स बनते हैं, कहीं पे डार्क बैंड बनता है, कहीं पे ब्राइट बैंड बनता है, अल्टरनेटिव बैंड्स, मतलब कि पहला जो स्ट्रिप बना वो पहला स्ट्रिप जो है वो क्या है, ब्राइट है, चमकीला है। तो इसके बाद दूसरा जो स्ट्रिप होगा वो क्या होगा, डार्क होगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहां पर हमने क्या किया कि दो सोर्स से आने वाली लाइट रेस को, ठीक है, किसी एक दो टाइनी होल से पास कराने के बाद ये दोनों लाइट वेव्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, लाई कर जाती हैं, सुपर इम्पोज हो जाती हैं, और दोनों मिलके एक नया सिचुएशन क्रिएट करती हैं जिसमें आप अलग अलग लाइट्स के बैंड्स आप देखोगे, जिसमें कुछ बैंड्स ब्राइट होते हैं और कुछ बैंड्स जो है वो डार्क होते हैं। इस फेनोमेना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं, इस फेनोमेना को हम इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं।
तो इंटरफ्रेंस पैटर्न की हम बात कर रहे थे, अगर कोई दो कोहरेंट सोर्स है यानी S1 और S2, आप यहां पर देख रहे हो कि यहां से वेव जो है निकलने के बाद आप देखो कि इसका पैटर्न कुछ इस तरह से बन रहा है, ये पहले वाले S1 से निकला हुआ, ये दूसरे वाले S2 से निकला हुआ, लेकिन जब ये आगे की तरफ मूव करते हैं ना, ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं तो ये लाइट वेव्स जो है ये और क्या करते हैं, बेंड करते जाते हैं। उसी तरह दूसरे सोर्स की हम बात करें तो दूसरे सोर्स यानी S1 से निकलने वाली वेव्स जो है वो भी आपको दिखेगा कि वो भी आगे जो है एक्सपेंड करेगा, और जैसे ही आगे की तरफ ये मूव करेंगे तो आप यहां पर क्या देखोगे, आप यह देखोगे कि दोनों वेव फ्रंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों वेव फ्रंट क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, तो जब कट करते हैं तो उनकी वजह से एक स्पेशल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। आगे अगर कोई एक स्क्रीन है तो इस स्क्रीन के ऊपर बनने वाली जो लाइट है ना, ठीक है ना, जो बैंड्स हैं जैसे हम कह रहे हैं बैंड्स, जो बैंड्स आपको दिखेंगे वो बैंड्स जो है कभी ब्राइट दिखते हैं और कभी डार्क दिखते हैं, अल्टरनेटिव, ब्राइट के बाद डार्क, डार्क के बाद फिर ब्राइट, ऐसा करके। तो यहां पर जो ये एक दूसरे को कट किए हैं ना, तो इनकी कट करने की वजह से जो बैंड्स बना वो यहां पर बना ब्राइट। फिर दूसरे कंडीशन में आप देखो कि यहां पर कट करने की वजह से ये बना फिर से ब्राइट, यानी जितनी बार ये कट करेंगे सब एक दूसरे को ब्राइट बना रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है एक सिचुएशन, ये डॉटेड आप देख रहे हो कि यहां पर जब दो ओवरलैप करते हैं तो कई बार जो है डार्क बैंड्स भी आपको देखने को मिलता है। तो ये ओवरलैपिंग की वजह से, मतलब दो वेव्स फ्रंट्स का एक के ऊपर चढ़ जाने की वजह से ये यहां पर आपके जो बैंड्स बन रहे हैं ये कभी डार्क बनते हैं कभी ब्राइट बनते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरफ्रेंस। यहां पर ये इंटरफ्रेंस हो रहा है और इंटरफ्रेंस के पैटर्न्स जो आपको देखने को मिल रहा है वो ब्राइट डार्क करके ऐसे पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इंटरफ्रेंस इसे हम कहते हैं। जिसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेव मान के चलना होगा, लाइट को पार्टिकल मान के चलोगे तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्लियर है। अब जो है आगे चलते हैं, तो पोलराइजेशन के बारे में क्या कहा जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि आप जब मार्केट में जाते हो, ठीक है, या किसी मेले में जाते हो, तो जब मेले पे चश्मे की दुकानें लगी होती है ना, जो खिलौने वाले जो दुकान होते हैं ना वहां पे, तो आपको वो चश्मा देते और चश्मा देने के साथ साथ ना एक तस्वीर लगाए रखते दुकान में, कैलेंडर हो सकता है, कार्ड हो सकता है, जिसपे कुछ बना हुआ है गुड्डा उड्डा, लेकिन आप बिना चश्मा को आप उसे देख नहीं पाओगे। वो आप कहते हैं ना ये चश्मा पहनो, और चश्मा पहनने के बाद उस कैलेंडर या उस कार्ड को देखो, तो जब आप चश्मा पहन के उस कैलेंडर या उस कार्ड को जब आप देखते हो ना, तो आप क्या पाते हो, आप यह पाते हो कि उस कैलेंडर के ऊपर बना हुआ गुड्डा चश्मा पहनने से दिखता है, चश्मा उतारो तो आपको नहीं दिखता है। तो ये मेले में ऐसा हुआ है, या घर पे आपको कुछ खिलौने उलौनों के टाइप में कुछ, एक बचपन में कुछ टूटा चश्मा, ऐसा टूटा नहीं मतलब ठीक ठाक चश्मा आपको मिला हो और उसके साथ साथ एक छोटा सा कार्ड आया हो कि चश्मा पहन लो और उसके बाद देखो तभी आप उसे देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जो है एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं ये ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोई लाइट सोर्स से लाइट आ रहा है, ठीक है ना, ओमनी डायरेक्शन होता है, लाइट जो है उस सोर्स से आने वाला लाइट हर डायरेक्शन में बिखर रहा है, और जैसे तुमने चश्मा पहन लिया तो चश्मा पहनने के बाद फिर क्या हुआ कि जैसे वो लाइट उस चश्मे से गुजरता है, आर पार होता है, तो ये जो बिखराव है लाइट का हर डायरेक्शन में, वो हर डायरेक्शन से खत्म होके किसी एक डायरेक्शन में वो लाइट जाती है, अब यानी यूनि डायरेक्शनल हो जाती है, ठीक है ना। कुछ ऐसे समझो कि आपके पास एक लाइट सोर्स है और जैसे ही ये लाइट आगे की तरफ जाती है और बीच में आपने क्या कर दिया, एक ऐसा ग्लास रख दिया जो पोलराइजेशन करता है, जो फिल्टर आउट करता है, जो कट आउट करता है लाइट रेज को, और इसे सिर्फ किसी एक डायरेक्शन में कर देता है, ठीक है ना, किसी एक डायरेक्शन में कर देता है, या फिर आप कुछ ऐसे कह लो ऊपर नीचे कर देता है। ये जो लाइट है ना यहाँ पर जो फिल्टर आउट कर दिया, जो हर डायरेक्शन में ओमनी डायरेक्शनल था, ग्लास से गुजरने के बाद ये यूनि डायरेक्शनल हो गया, तो यूनि डायरेक्शनल हो गया। तो ये जो आप प्रक्रिया देख रहे हो जिसमें कि लाइट जो है फिल्टर आउट कर देते हैं, जिसमें कट आउट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं, यानी कि हमने लाइट को किसी एक पोलराइज डायरेक्शन में मूव कर दिया, ठीक है ना। पोलराइजेशन वर्ड पोलराइज से बना है, ठीक है ना, ये इसे हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये कट आउट कर देना, हर डायरेक्शन में लाइट जा रहा है उसे किसी एक डायरेक्शन में कर देना। अब इस पोलराइजेशन को भी अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप वेव थ्योरी से ही आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पार्टिकल थ्योरी।
ठीक है ना, पार्टिकल थ्योरी क्या होता है? तो पार्टिकल थ्योरी जो है यह कहता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है जो स्ट्रेट लाइन में चलता है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। पहले क्या कह रहा था कि लाइट वेव का है, अब कह रहा है कि ये पार्टिकल का बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल का बना हुआ है मतलब क्यों कह रहा है? तो कुछ ना कुछ 100 सालों में मिले ऐसे कुछ फेनोमेनाज होंगे जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं नहीं ये वेव की तरह नहीं बिहेव कर रहा, ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये पार्टिकल थ्योरी से ही हम इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे या पार्टिकल नेचर को ही शो कर रहा है। सवाल ये है कि ऐसे कौन से फेनोमेनाज हैं, ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं जिसमें लाइट जो है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और ये वेव की तरह नहीं बिहेव करता है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, आई थिंक आपके बुक में वो एग्जाम्पल नहीं है, चलो कोई नहीं देख लेते हैं हम। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अलावा जो है आपका कॉम्पटन इफेक्ट है, ठीक है, ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो सिर्फ आप एक्सप्लेन कर सकते हो सिर्फ लाइट को पार्टिकल मान के, ठीक है ना। इस मतलब इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें यूज करना होता है क्वांटम थ्योरी को। क्वांटम जिन शब्दों से मिलकर बना है उसे हम कहते हैं क्वांटा, इसे हम कहते हैं क्वांटा, और क्वांटा का मतलब होता है फोटॉन, और फोटॉन वह पार्टिकल है जो एनर्जी कैरी करता है लाइट में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्वांटा क्या है, तो क्वांटा फोटॉन को कहते हैं, और फोटॉन क्या है, फोटॉन एक पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल को हम फोटॉन नाम देते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट हमें एक्सप्लेन करना है, तो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन करने से पहले लाइट के पार्टिकल्स को हम फोटॉन कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम क्वांटम कहते हैं, और जब हम क्वांटा के बारे में स्टडी कहते हैं तो उसे हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको क्या कहा, मैंने ये कहा कि हम बात कर रहे हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल यानी कि जिसमें कण के बारे में बात करते हैं, और जो प्रकाश का कण होता है उसे हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं, ठीक है ना। यह वही क्वांटा या फोटॉन है जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स लेके अपने साथ ट्रेवल करता है, ठीक है ना, एनर्जी के पैकेट्स लेके ट्रेवल करता है, क्योंकि लाइट का अपना एनर्जी होता है, ठीक है ना, लाइट का अपना क्या होता है, एनर्जी होता है, और ये एनर्जी किसके पास होता है, पार्टिकल्स के पास होता है। उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। और जब हम पार्टिकल नेचर के बारे में बात करते हैं या क्वांटम नेचर के बारे में हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। अगर आपको समझना है तो उससे जुड़े हुए दो फेनोमेनाज हम बात करेंगे, और भी ढेर सारे हैं, लेकिन उसमें अगर हम बात करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट जो है आपको सीधे तौर पर बताता है कि लाइट जो है एक पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, ये वेव की तरह बिहेव नहीं करता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अब ऐसा कैसे, कैसे हम कह सकते हैं, तो एक एग्जांपल देखिए, एक एक्सपेरिमेंट जो है हुआ था पहले उसे हम समझते हैं। हमने क्या कर दिया कि एक ग्लास का चैम्बर ले लिया, ठीक है ना, शीशे का खोल ले लिया, और एक किनारे पे हमने क्या कर दिया कि एक मेटल प्लेट लगा दिया, और दूसरे किनारे पर भी एक मेटल प्लेट है। हमने क्या कर दिया कि ये जो ऊपर है ना ये प्लेस, इस प्लेस को थोड़ा सा कट करके निकाल दिया, और कट करके निकालने के बाद यहां पर हमने होल क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो होल क्रिएट करने के बाद हमने क्या कर दिया कि इसे हमने सूरज की रोशनी में रख दिया। तो आपने क्या देखा कि जब बाहर से जब लाइट एंटर कर रही है ना, और लाइट एंटर करके जब इस प्लेट के ऊपर पड़ रही है, ठीक है ना, तो हमने क्या देखा कि लाइट जो है जैसे ही बाहर से इस प्लेट के ऊपर पड़ी ना, तो इस प्लेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे ही बाहर से लाइट आके इस मेटल के ऊपर पड़ रही है, तो मेटल के ऊपर पड़ने के बाद इस प्लेट में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके बाहर निकल गए, जंप करके क्या हो गए, बाहर निकल गए। अब इस दो पोल्स के बीच की बात करें तो इन दोनों पोल्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, वैक्यूम करके हमने रखा है, कोई गैस नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वायर नहीं है, ठीक है ना। और हमने इसके दूसरे सिरे को क्या किया था कि हमने इसे बैटरी से जोड़ दिया था, और बीच में एक बल्ब भी लगा दिया था। तो अब यहां पर देखो कि अगर बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो यहां से प्लस करेंट आगे बढ़ेगा, बल्ब से होके गुजरेगा, लेकिन यहां बीच में क्या हो गया, सिचुएशन ब्रेक कर गया, प्लस वाला आगे गया नहीं, और गया नहीं तो ये सर्किट जो है वो क्या है, ओपन है, सर्किट क्या है, ओपन है, करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, हमने बीच में ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करने के बाद इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा,
लेकिन हमने ये देखा कि इस पूरे सिस्टम को जैसे ही हमने लाइट के पास में रखा, तो लाइट जब इस मेटल प्लेट के ऊपर पड़ा, तो मेटल प्लेट पे पड़ने के बाद फिर क्या हो गया, ये बल्ब जलने लगा। अभी बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि जब हमने प्लेट को कनेक्ट ही नहीं किया है तो करंट की सप्लाई हो क्यों रही है और ये बल्ब जल कैसे रहा है। तो यहां पर होता क्या है कि जैसे ही बाहर से लाइट आती है ना, तो इस मेटल प्लेट के ऊपर गिरती है, और जब मेटल प्लेट के ऊपर गिरती है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स जंप करके बाहर की तरफ आ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, चूंकि यहां पर हमने इसे निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है तो यहां पर ये निगेटिव वोल्टेज है, और यहां हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है तो ये पॉजिटिव वोल्टेज है, तो यहां पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब थोड़ा सा इसका डायरेक्शन हमें चेंज करना होगा, क्योंकि माइनस माइनस अट्रैक्ट नहीं करता, ये रिपल करना शुरू कर देगा। मैं इसे थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है, साइंस मुझे चेंज करना है, यहां पर प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस, तब जाके ये अट्रैक्ट करेगा। तो कर देते हैं, ये हो गया प्लस, तो यहां पर हो जाएगा आपका पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाला माइनस को खींचेगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे और निकलने के बाद दौड़ के चले जाएंगे प्लस वाले के साथ, तो बस ये चक्कर कंप्लीट हो रहा है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी और बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। तो यहां पर जो इफेक्ट आपने देखा, इफेक्ट ये आपको सिर्फ तब तक देखने को मिला जब आप लाइट को एक मेटल प्लेट के ऊपर फॉल करा रहे थे, ठीक है ना, मेटल की प्लेट के ऊपर लाइट फॉल कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, तब तक प्लस वाला उधर से खींच रहा था, सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच दे रहा था और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंप्लीट हो जा रहा था बिना बीच में किसी चीज से जोड़े, और इस तरह से बल्ब का ग्लो स्टार्ट हो गया था। तो ऐसा क्यों हुआ, अब ये फेनोमेना को समझने के लिए, इसी फेनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट के बाद, फोटो के बाद इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ रहा है ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव लाइट की वजह से। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको यहां पर दिखने को मिला, और ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसकी वजह से है, लाइट की वजह से है। लाइट फॉल कर रहा है तो आपको इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को, इस फेनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ आप एक्सप्लेन तभी कर सकते हो जब आप लाइट को कंसीडर करो कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर आप वेव की तरह अगर सोचोगे तो ये एक्सप्लेन आप नहीं कर पाओगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ऐसा होता क्यों है, मतलब क्यों हो रहा था ऐसा। तो देखो, लाइट जो है, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं, उनके पास अपनी एनर्जी होती है, और जैसे ही आगे किसी मेटल प्लेट के ऊपर गिरता है ना, तो वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स जाके मेटल प्लेट से टकराते हैं, तो टकराते हैं तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाता है बाहर से, और जब किसी को ज्यादा पावर मिल जाएगा तो उछल कूद करेगा, तो वो कूद के मेटल प्लेट से बाहर आ जाता है, और जैसे ही एक बार बाहर आया तो दूसरी तरफ से पॉजिटिव पोटेंशियल खड़ा है एकदम पकड़ के माइनस वाले को खींचने के लिए, और पकड़ के खींच लेगा, करंट की सप्लाई सर्कल कंप्लीट कर देगा, घुमा देगा बढ़िया से एकदम। तो ये जो पार्टिकल जो है, जो एनर्जी कैरी करता है, ये हम तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे एनर्जी वाली कंडीशन जब हम लाइट को पार्टिकल मानेंगे। अगर वेव मानोगे ना तो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, कि अब वेव मान लिया तो एनर्जी कहाँ है उसके पास, और एनर्जी कौन कैरी कर रहा है, ठीक है, फोटॉन क्या होता है, क्वांटा क्या होता है। तो ये सिर्फ आप तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब आप यह मान के चलोगे कि लाइट के पास पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के पास स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिन्हें हम फोटॉन या क्वांटम कहते हैं, और इसे हम स्टडी कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट या पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में स्टडी करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे थे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट वगैरह जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आप पार्टिकल थ्योरी से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फेनोमेना बाय यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट, ओके। दिस थ्योरीज कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग या बाय कंसीडरिंग पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ओके। इज इट क्लियर और नॉट, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, क्लास ओवर।